दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अजंता फार्मा लिमिटेड का डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिटर्न से। एक वीक का रिटर्न 7.5% रहा है, एक मंथ का रिटर्न 10.3% रहा है, तीन मंथ का रिटर्न 5.5%, एक साल का रिटर्न 86%। दोस्तों, यानी कि डबल के करीब हो गया आपका पैसा, और पाँच साल में 26% का रिटर्न रहा है। अब दोस्तों स्टॉक हाईलाइट देख सकते हैं, जैसे कि स्टॉक सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है। आप देख सकते हो अभी तेजी में चल रहा है, यानी कि अभी बढ़ रहा है। मार्केट प्राइजिंग फेयरली वैल्यूड है। प्रॉफिट देख सकते हो तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से 3.5% कम हुआ है। अब स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख लेते हैं। दोस्तों तो स्ट्रेंथ 6 है यहाँ पे, 3 ईयर रिटर्न ऑफ 77.43%, यानी कि 77% का रिटर्न 3 साल में दिया है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 12.75% ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल के हिसाब से देखा तो 12.75% यहाँ रेवेन्यू पड़ी है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 6.57% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखे तो 6.57% यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो हुई है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 7.54% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर की यहाँ पे हम देखें तो 7.54% नेट प्रॉफिट बढ़ी है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। इम्प्रेसिव आरओई ऑफ 17.68%, इम्प्रेसिव आरओसी ऑफ 22.57%। वीकनेस क्या है, तो नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय ओनली, यहाँ पे लॉस हुआ है 17.5% का ओवर द पास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो इस क्वार्टर में 17.5% कम हुई है यहाँ पे प्रॉफिट। पोर डिविडेंड यील्ड, जो कि डिविडेंड कम देता है, हमें पता है। थ्रेट क्या है, तो चेंज इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्डिंग बाय -1.08% इंडिकेट थ्रेट, यानी कि आप देख सकते हो तो FII की होल्डिंग 1% कम हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये देखो इनके 52 वीक के हाई के करीब चल रहा है, 2 डेज के हाई लो पे कम है दोस्तों। फिर फंडामेंटल पे क्या देख सकते हो, आप पी देख सकते हो 38 के करीब का है, सेक्टर का पी 46 है, यानी कि 10 कम है, तो थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। डिविडेंड यील्ड 0.3%, जो कि हमने पहले ही देख लिया, पुअर डिविडेंड यील्ड है। मार्केट कैप 28,118 करोड़ है। रिटर्न हमने देख लिया दोस्तों, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक वीक का रिटर्न 7.5%, एक मंथ का रिटर्न 10.3%, तीन मंथ का रिटर्न 5.5%, एक साल का रिटर्न 86.4% और पाँच साल का रिटर्न 26.3% है। रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों, तो 2020 से 2021, 2022, 2023 और 2024 हर साल बढ़ी है दोस्तों। देखो यहाँ पे 2,680 करोड़, फिर 2,915 करोड़, 2022 में 3,456 करोड़, 2023 में 3,841 करोड़ और 2024 में 4,293 करोड़। अब नेट प्रॉफिट भी देखो तो दोस्तों, शायद 2023 को रखे साइड में रख दे तो यहाँ पर हर साल बढ़ रही है। 2020 में 467 करोड़ है, 2021 में 653 करोड़, 2022 में 712 करोड़, फिर 2023 में थोड़ी सी कम हुई 587 करोड़, फिर से 2024 में जो अपने प्लेटफॉर्म पे थी, वो जो अपने स्केल पे थी, वहीं पे आ गई 816 करोड़। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे देख लो दोस्तों, मार्च 2024 में प्रमोटर के पास 66.22% थी, FII के पास 9.11%, डोमेस्टिक के पास 16% और रिटेल के पास 8.66% थी। तो दोस्तों वो भी पैटर्न, होल्डिंग का पैटर्न भी ठीक ठाक ही लग रहा है। अब की रेशियो देख लेते हैं, जैसे कि ROE 2019 में 18%, 2020 में 19%, 2021 में 23%, फिर थोड़ा सा कम हुआ 2022 में 22% और 2023 में 17%। ROCE आप देख सकते हो 2019 में 24%, 2020 में 27%, 2021 में 32%, 2022 में 29% और 2023 में 23%। ROA देख सकते हो 2019 में 15%, 2020 में 14%, 2021 में 17%, 2022 में 17% और 2023 में वापस से 13%। EPS देख सकते हो आप 2019 में 29 है, 2020 में 35, 2021 में 50, 2022 में फिर से 55 और 2023 में 46 है। अब दोस्तों आप पीयर कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप अजंता फार्मा के साथ साथ ग्लैंड फार्मा, फिर ओरो फार्मा, लुपिन और अल्केम का देख सकते हो। पी देख लो आप 38 है, उसके साथ 43, 24, 41 और 36। तो यहाँ पे ओरो फार्मा है, उनका 24 है, जो कि सबसे कम है, और ग्लैंड फार्मा का 43 सबसे ज़्यादा है। तीन मंथ का रिटर्न देख लो आप दोस्तों, अजंता का 10%, 16%, 13%, 5 और -4%, एक ग्लैंड फार्मा का माइनस में रहा है 16% का। तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे आते हैं रिटर्न पे भी। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ देख लो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा है 13% अजंता फार्मा का ही। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लो तो यहाँ पे लुपिन का 28% है, और दूसरे नंबर पे 7.7 पे अजंता फार्मा आ जाता है। फिर
थ्री ईयर आरओई आप देख सकते हो 17%, 10%, 7%, 3% और 11%, तो उसमें भी सबसे अच्छी है दोस्तों परफॉर्मेंस इनकी। तो शेयर अच्छा है दोस्तों, आप फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो डिटेल में एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर रजिस्टर करो और अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो अपस्टॉक के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।